नगर पालिका परिषद कुम्हारी का बजट पालिका के सभागार पक्ष विपक्ष के हल्के फुल्के गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। सर्वप्रथम पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने बजट प्रस्तुत किया, जिसके बाद 19 विषयों पर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा की गई। चर्चा के बाद सारे विषयों को सर्वसम्मति से पास किया गया। बजट को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। पानी की व्यवस्था कहाँ पर है बताइए। आपके यहाँ तो पर्याप्त पानी है जहाँ नहीं था वहाँ पर पानी टंकी का निर्माण हो रहा है। एक पार्षद जो मेरे पार्षद जी से काम लग रहा था, तीन साल बाद दे रहे हैं 3.5 साल बाद कि भैया उसका काम हो ही सकता है, गलत काम हो रहा है, ये पहली बार जब आ रहा है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बजट वर्ष 2023-24 का बजट परिषद में रखा गया, जिसमें कुल बजट था आज 2,82,15,83,000 रुपए का बजट था, जिसमें 2,80,35,09,000 रुपए व्यय होना अनुमानित है और इस प्रकार 1,80,74,000 रुपए बचत लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष का जो वास्तविक आय था हमारा 93,01,23,931 रुपए था, जिसमें वास्तविक व्यय हुआ था 61,41,04,415 रुपए और सिलक में जो वास्तविक बचत हुई थी 31,60,19,516 रुपए का हुआ था। सर, इस बजट में 19 एजेंडे रखे गए थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा क्या था सर? अब वर्तमान में सामान्य सभा की बैठक भी एक प्रकार से थी, तो बजट सत्र के साथ साथ सामान्य कुछ अलग एजेंडों को भी रख दिया गया था। समस्त एजेंडों पर चर्चा हुई है और सर्वसम्मति से कुछ एजेंडों को पारित भी किया गया। आगामी आने वाले साल में क्या विशेष रहेगा सर बजट? वर्तमान बजट काफी सभी पक्षों को और सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को समाहित करते हुए बनाया गया है। अभी वर्तमान में छोटे बच्चे हों उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि हम जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लिए माननीय अध्यक्ष पार्षद निधि के सहयोग से मुख्यमंत्री दुलार योजना अंतर्गत बच्चों को प्रत्येक आंगनबाड़ी क्षेत्र में बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल सामग्री का वितरण करेंगे। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे जो 5 प्रमुख गाँव हैं वहाँ पास अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिसका उपयोग वो हम एक उचित मूल्य की दुकान के रूप में भी कर सकेंगे। 19 एजेंडा था और विकास कार्य का भी था, बजट भी था और बजट 2,82,15,83,000 रुपये का था और लाभ का बजट 1,80,74,000 रुपये का रहा और हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से, हमारे पार्षदगण के सहयोग से विकास कार्य में नाम रोशन हो गया कुम्हारी के इतिहास में। यह पूरा श्रेय माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश भैया, चैतन्य भैया, बिट्टू भाई और हमारे समस्त पार्षदगण, हमारे कुम्हारी के समस्त नागरिकगण के सहयोग से आज बजट प्रस्तुत हुआ। बहुत अच्छा बजट रहा। आज हमारे जिस कुम्हारी को एक जब हम टोल प्लाजा के पास से क्रॉस करते थे तो एक अंधेला महसूस होता था जिस समय सरकार नहीं था, आज वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जश्न सरकार बनने के बाद उजाला युक्त कुम्हारी और हरा भरा कुम्हारी ये देखने को मिला है। ये अपन मौखिक चर्चा में नहीं चलते हैं, आप पेपर वर्क पकड़ लीजिए। 2010 से 15 के बीच का
15 से 20 के बीच का और 21 से जो अभी चल रहा है वो देख लीजिए। इनसे पहले कुम्हारी नगर पालिका में कि पानी के लिए मेरे को मौखिक निकाल के रखा हूँ, पहले हमारे पास, मैं थोड़ा डीप में जाना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि हमारे पास 2010 में टैंकर के संसाधन से तकरीबन 28 लाख के आसपास पैसा 5 साल में क्षति की है, और आज वर्तमान पर हम लोगों ने टैंकर मुक्त घोषित कर दिए हैं, और टैंकर से हम बिल्कुल 1 रुपये भी जनता का पैसा टैंकर में खर्च नहीं किए, और हमारे समस्त पार्षदगणों के सहयोग से हम टैंकर से पैसा उपलब्ध कर रहे हैं। इनसे आप लोगों को और पब्लिक को जानकारी होगी कि आज हमारे पानी के लिए पूरे पूर्ण रूप से तो नहीं, मगर कुछ भाग में बचा हुआ है वहाँ हम पानी के लिए भी हैं, और जनगिरी में जाकर पाइपलाइन का विस्तारीकरण करवा रहे हैं। हमारे कुगदा पानी से बढ़िया पानी हो गया, परसदा हो गया है, हमारे कुम्हारी में तकरीबन पूरा पानी से जुड़ चुकी है, मगर हमारा जनगिरी और रामपुर बचा है, वो भी बहुत स्पीड से काम चल रहा है। वहाँ भी हम लोग तो आज शासन स्तर से स्टैंड मुक्त के कगार में आ गए हैं कि हमारे यहाँ पूरे घर 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 नल दे दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश भैया के आशीर्वाद से, हमारे पार्षदों के सहयोग से, या बिना योजना लाए ही योजना घर घर में नल पहुँचा चुके हैं हम लोग। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे पार्षद लोग ने आज परिसर के माध्यम से इनके बारे में धन्यवाद भी बोले सफाई के लिए, क्योंकि पहले हम लोग महीना भर में भी सफाई नहीं कर पाते थे, यही परिसर में विरोध होता था कि सफाई नहीं हुआ बोल के।